हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दिस चैनल इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू विद एक्सरसाइज 11.1 ऑफ क्लास एट पीएससीबी के न्यू टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन नंबर वन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एक्सरसाइज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द लास्ट वीडियो सो आप पहले उस वीडियो को देखिए एंड देन वॉच दिस वीडियो ताकि के आपके बेसिक्स क्लियर रहें एंड स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर विद अदर स्टूडेंट्स सेकेंड क्वेश्चन है फाइन द वैल्यू ऑफ मिसिंग क्वान्टिटी इफ़ एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन सो यहाँ पर जो मिसिंग क्वान्टिटीज हैं उनको आपने फाइंड करना है एंड उन्होंने दे रखा है आपको कि एक्स एंड वाई दे आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन सो हमें पता है कि अगर एक्स एंड वाई डायरेक्ट प्रपोर्शन में होंगे तो एक्स वन अपॉन वाई वन ये इक्वल होता है एक्स टू अपॉन वाई टू के ओके क्योंकि जो रेशो होती है दैट इज कॉन्स्टेंट ठीक है कांस्टेंट को हम यहाँ पर के के साथ डिनोट कर देते हैं ओके okay? सो so, यहाँ पर क्या है ये वाली वैल्यू हमने फाइंड करनी है इसको आप एक्स टू रिज्यूम कर लो ओके सो एक्स वन अपॉन वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू अपॉन वाई टू हम कर लेंगे यहाँ पर एक्स वन की वैल्यू क्या है ट्वेल्व अपॉन वाई वन फोर्टी एट इक्वल्स टू एक्स टू हमने निकालना है वाई टू कितना है एट्टी एट अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे राइट सो ट्वेल्व इंटू एटी एट इज इक्वल टू एक्स टू इंटू फोर्टी एट एक्स टू की हमने वैल्यू निकालनी है सो एक्स टू इज इक्वल टू ट्वेल्व इंटू एटी एट अपॉन फोर्टी एट जो एक्स टू के साथ यहाँ पर फोर्टी एट मल्टीप्लाई हो रहा है जब हम उसको दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये नीचे डिनोमिनेटर में चला जाता है राइट सो ट्वेल्व इंटू एटी एट एंड इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा 48, ओके okay? सो so, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो 12 वन ज़ा ट्वेल्व ट्वेल्व फोर जा फोर्टी एट फोर वन ज़ा फोर फोर टू ज़ा एट फोर टू ज़ा एट सो एक्स टू इज इक्वल टू ट्वेंटी टू दिस इज आंसर, ओके सो यहाँ पर जो मिसिंग है क्वांटिटी, वहाँ पर आएगा ट्वेंटी टू सेकेंड पार्ट करते हैं यहाँ पर देखो y1 वन मिसिंग है तो हम पहले तो ये लिख लेंगे x1 वन अपॉन वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू अपॉन वाई टू बिकॉज दे आर इन डायरेक्ट परपोर्शन ओके सो x1 की वैल्यू क्या है 13 अपॉन वाई हमने निकालना है x2 है 7 y2 है 56 अब यहाँ पर भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो राइट right. सो so, 13 इंटू 56 सिक्स इज़ इक्वल टू सेवन इंटू वाई वन ना की वैल्यू निकालनी है तो 7 को आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दो सो so, 13 इंटू फिफ्टी अपॉन सेवन नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा इज इक्वल टू 7 7 सेवन वन जैवन सेवन एट सा फिफ्टी सिक्स सो y1 कितना आ गया 13 इंटू सो वाई वन इज इक्वल टू वन हंड्रेड फोर ओके सो दिस इज दी आंसर थर्ड पार्ट है यहाँ पर देखो एक्स वन हमने निकालना है राइट सो एक्स वन अपॉन वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू अपॉन वाई टू ब्रैकेट में आप लिख सकते हो इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ओके सो एक्स वन अपॉन 84 फोर इक्वल्स टू सेवनटीन अपॉन वन हंड्रेड टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एक्स वन इंटू वन हंड्रेड टू इज इक्वल टू सेवनटीन इंटू एटी फोर सो एक्स वन इज इक्वल टू सेवनटीन इंटू एटी फोर अपॉन वन टू ये दोनों थ्री के साथ चले जाएंगे एट प्लस फोर ट्वेल्व टू प्लस वन थ्री सो थ्री टू जिक्स थ्री एट ज ट्वेंटी फोर Nietzsche 3 3s are 9, 3 4s are 12. Now 17 1s are 17, 17 2s are 34, 2 1s are 2, 14 2s are 28. So x1 is equal to 14. This is the answer. So, students, this was question number 2. In the coming videos, we will solve more questions.